गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी। फर्स्ट क्लास में हमने लेप्रोसी के डेफिनेशंस और उसके इंट्रोडक्शंस एंड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो एंड टाइप्स। टुडे जो क्लास रहेगी वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी के, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग से हमें कौन कौन से रिएक्शंस हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज डिस्कस लेंगे हम। फर्स्ट पहला है रिएक्शंस के, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईज एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन्स। तो पहले ले रहे हैं हम रिएक्शंस। रिएक्शंस में लेप्रा रिएक्शंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेप्रोसी इम्यूनोलॉजिकल मीडिएट एपिसोड्स ऑफ एक्यूट एंड सब एक्यूट इन्फ्लामेशन नाउ एज रिएक्शन में आकर, दे आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट रिवर्सल, सेकेंड रिथमा नोडोसम लेप्रोसम। बोथ टाइप कैन आकर बिफोर द स्टार्ट MDT जो थेरेपी ट्रीटमेंट वाली, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट। रिवर्सल रिएक्शंस, द लेप्रोसी स्किन लीजन देमसेल्फ बिकम इन्फ्लेम्ड, रेड, स्वेलन एंड पेनफुल। इट इज अ टाइप ऑफ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव, अकर्स बोथ PB एंड MB। नर्व्स मे बी इनलार्ज, टेंडर एंड पेनफुल विद लॉस ऑफ फंक्शंस। जनरल सिम्टम आर अनकॉमन, डू नॉट इफेक्ट अदर ऑर्गन। रिथमा नोडोसम लेप्रोसम, ENL न्यू इन्फ्लैम्ड, इरिथ्रमा नोडोसम न्यू इन्फ्लैम्ड, रेड नोडुल्स अपीयर अंडर द स्किन वाइल द ओरिजिनल लीजन्स रिमेन सेम। नेक्स्ट कॉमनली द ऑन फेस, आर्म, लेग्स एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल सबसाइड विद इन ए फ्यू डेज एंड विदाउट ट्रीटमेंट। एंटीजन एंटीजन रिएक्शंस सीन ऑफ MB केसेज ओनली। नर्व्स मे बी इफेक्टेड बट एन अनकॉमन। Organs like testis, eye, kidney may be affected. General symptom fever, joint pain, red eyes and watering may be associated. Lepra reactions में जो diagrams है जो कि है reversal reactions और ENL। Next है treatment, कि इस reaction को रोकने के लिए हमें कौन सा treatment दिया जाता है। Because high risk of permanent nerve damage, you know, reversal reactions needs to promptly diagnose and treatment adequately. Standard 20 वीक रिजीमेन ऑफ प्रेडनिसोलन इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। प्रेडनिसोलन जो है दी जाती है 12 वीक, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है स्टोरॉइड। ट्रीटमेंट आल्सो इंक्लूड बेड रेस्ट, स्प्लिंटिंग, इफेक्टेड नर्व्स, एनाल्जेसिक ऑन प्रेडनिसोलन। प्रेडनिसोलन रिजीमेन 40 मिलीग्राम डेली फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, एड टू क्लोजामिन इन इनल, 100 मिलीग्राम एक्स 4 वीक्स, 30 मिलीग्राम डेली और वीक्स 3-4, 20 मिलीग्राम डेली फॉर वीक्स 5-6, 15 मिलीग्राम डेली टू वीक 7-8, 10 मिलीग्राम डेली फॉर वीक 9-10, 5 मिलीग्राम डेली फॉर वीक 11-12, 4 यूराटिस ट्रीटमेंट विद प्रेडनिसोलन 20 mg ऑनवर्ड शुड बी प्रोलॉन्ग्ड और वीक्स। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेडनिसोलन शुड बी स्टार्टेड एट 30 mg इंस्टेड ऑफ 30 mg लिमिट ऑफ कोर्स एंड 10 वीक्स इन PB केसेस एंड 20 वीक्स एफ MB केसेस। फॉर चिल्ड्रेन डोज शुड बी स्टार्टेड 1 mg kg वेट पर बॉडी वेट पर डे। कोलोफाजिमिन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट क्रॉनिक रिकरेंट इनल रिएक्शंस एंड अदर ड्रग क्लेम टू बी यूजफुल ऑफ इनल प्रोक्सिमलाइन। पेरिफेरल नर्व्स सेंसरी मोटर एंड ऑटोनॉमिक। पहला है हाइपोएस्टेसिया या एनेस्थेसिया, मसल पैरालिसिस, लैक ऑफ सेवेटिंग एंड सीबम। फर्स्ट में अल्सर, सेकंड में अल्नर नर्व जैसे काउड हैंड, रेडियल नर्व, रिस्ट ड्रॉप, लैटरल पोपलेटल फूड ड्रॉप, पोस्ट टीबियल क्लोटोइज, फेशियल लोगोफिंटोमेटस। लैक ऑफ सेवेटिंग सीबम में ड्राई स्किन, क्रैक्ड स्किन एंड अल्सर, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अल्नर मीडियल, रेडियल, लेटरल कॉमन, पॉपटीलेटल, पॉपलिटियल, पोस्टीरियर टीबियल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्थल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ ट्रिमिनल नर्व, कॉर्नियल सेंसेशन इंप्लीमेंट, देन पेशेंट इग्नोर अल्सर, देन कैटराइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड अल्सर्स, अनेबल टू क्लोज द आई, आई ब्लिंकिंग स्टार, लेगो फेटोमस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जाइगोमेटिक टेम्पोरल बेचेस विद सेवंथ फेशियल नर्व। दिस कंडीशन इज डायग्राम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन्स, कि बोन्स में कॉम्प्लिकेशन कौन होते हैं, बोन डैमेज, लेप्रोसी इनकन्फर्म,
कन्फाइंड टू बोन्स हैंड एंड फीट एंड स्कल. इन स्कल द पैथोजोमोनिक चेंजेस अकर एट्रोपी एट्रोफी ऑफ एंटीरियर नेजल स्पाइन फर्स्ट, यानी नेजल स्पाइन में एट्रोफी यानी मसल्स का नहीं बनना, नेजल कोलैप्स, एट्रोफी ऑफ मैक्सिलरी एल्वोलियर प्रोसेस टू, लॉस ऑफ अपर सेंट्रल एनेस्थीसिया. दीज टू स्किल चेंजेस नाउ एज फेशियल लेप्रोसा. नर्व इन्वॉल्वमेंट, नीड टू मसल्स वीकनेस, मसल्स एट्रोफी, सीवर, न्यूरोटिक पेन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट. अल्डर नर्व इज अ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट, लीस्ट कॉमन इज रेडियल. मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट ट्रिगमिनल, फर्स्ट सेंसेशन टू बी थर्मल कोल्ड फाइन टच, प्रोसिफिनल इज यूजली प्रिसर्व्ड. दिस डायग्राम दिस सीन ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट. देन स्टार्ट ऑफ लेप्रोसी इरिटेशन, नेशनल लेप्रोसी इरिटेशन प्रोग्राम, जो कि लेप्रोसी की बढ़ती हुई स्टेज को कम करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था लेप्रोसी इरिडक्टेशन प्रोग्राम. इंट्रोडक्शन, नेशनल लेप्रोसी इरिडक्टेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च 1983. देन नेशनल लेप्रोसी इरिडक्शन प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर हेल्थ स्कीम इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द प्रोग्राम इज हेडेड द डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लेप्रोसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द प्रोग्राम सपोर्टेड एज पार्टनर्स बाय द वर्ल्ड WHO एंड ILEP नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO. द इम्ब्लेम, इम्ब्लेम द नेशनल लेप्रोसी इरिटेशन प्रोग्राम इम्ब्लेम सिम्बोलाइज, जैसे एक सिम्बोलाइज दिया गया ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ लोटस. लेप्रोसी कैन बी लेप्रोसी पेशेंट कैन बी यूजफुल नंबर ऑफ सोसाइटी पार्टिकुलर इफेक्ट थंब नॉर्मल फोर्स फिंगर रिप्रेजेंटिंग सेप एंड हाउस. द सिंबल ऑफ होप ऑप्टिज्म एंड राइजिंग सैन. द एम्बुलेंस कैप्चर ऑफ द स्प्राइट ऑफ होप पॉजिटिव एक्शन इन द डिटेक्शन ऑफ लेप्रोसी. अब ये स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, क्या 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 रणनीति बनाई गई लेप्रोसी को लेके. तो पहली जो रणनीति थी या स्ट्रेटेजी थी, इंटीग्रेटेड लेप्रोसी सर्विस थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम. नेक्स्ट, अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट इन न्यू लेप्रोसिस केसेस, कैरिंग आउट हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट सर्वे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज टू इम्प्रूव सेल्फ रिपोर्टिंग एंड डिटेक्शन ऑफ स्टिग्मा, इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, मेजर इनिशिएटिव क्या क्या जो तरीके स्टार्ट किए गए. इन केस डिटेक्शन मैन इंडिकेटर प्रोग्राम मॉनिटर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन रेट यानी डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेंटल मेडिकल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज जैसे ड्रेसिंग मटेरियल सपोर्टिंग मेडिसिन अल्सर किट लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन. माइक्रोसेल्युलर रबर फुटवेयर NGO मेडिकल कॉलेज स्ट्रेंजर टू रिकॉन्स्टेंट सर्जरी फॉर करेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी अमाउंट ऑफ 5,000 फॉर लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन फ्रॉम BPL फैमिली अंडर गोइंग रिकॉन्स्टिट्यूटिव सर्जरी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ 5,000 पर रिकॉन्स्टिट्यूटिव सर्जरी कंडक्टेड. इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ सस्पेक्टेड लेप्रोसी केसेज एंड फॉलो अप कन्फर्म केसेज. प्रोविजन ऑफ सेल्फ सेटल्ड कॉलोनीज फॉर लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन. इंटेंसिव IEC कैंपेन टुवर्ड्स लेप्रोसी फ्री इंडिया, रिड्यूस लेप्रोसी बर्डन, रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिसेबिलिटी प्रिवेंशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन मैन एक्टिविटीज कैरिड ऑफ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन आर फॉलो. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPMR एक्टिविटीज पर गाइडेंस एंड रिपोर्टिंग आउटकम एग्जाम्पल TT/T लेप्रोसी रिएक्शन अल्सर फिजियोथेरेपी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड प्रोवाइडिंग माइक्रोसेल्युलर फुटवेयर. इंटीग्रेटिंग DPMR सर्विस NRHM नेशनल हेल्थ रूरल मिशन फैसिलिटीज टू डेवलप अ प्रेफरेबल सिस्टम. डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्लान टू बी कैरियड थ्री सिस्टम की है, प्राइमरी केयर लेवल केयर PSC/CSC सब डिविजनल हॉस्पिटल और अर्बन लेप्रोसी सेंटर्स. सेकेंडरी लेवल में ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस यूनिट यानी टार्टरी या थर्ड लेवल केयर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ICMR जलमा आगरा ISP सपोर्टेड लेप्रोसी हॉस्पिटल्स ऑल PMR इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज. आशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ अर्बन एरियाज
टू ब्रिंग द सस्पेक्टेड केयर ऑफ विलेज डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट रिसीव इंटेंसिव एट कन्फर्मेशन एंड डायग्नोस्टिक 250 ऑन कॉम्प्लिकेशन फुल ट्रीटमेंट एडिशनल 400 एडिशनल 600 MB एनी केस बिफोर ऑनसेट ऑफ विजिबल डिफॉर्मिटी 250 इन न्यू केस विजिबली डिफॉर्मिटी हैंड स्पीड टू आई एक्टिव जो परफॉर्म आशा सर्च द सस्पेक्टेड केस फॉलो अप द केस एडवाइज टू मोटिव सेल्फ केयर प्रैक्टिस स्प्रेडिंग अवेयरनेस IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन फोकस लेप्रोसी फ्री इंडिया बिहेवियर चेंज कम्युनिटी अगेंस्ट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन मेकिंग द पब्लिक अवेयर ड्यू अबाउट टू एबिलिटी ऑफ MDT करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी थ्रो सर्जरी लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन कैन गिव ए नॉर्मल लाइफ विथ फैमिली 12-5 year प्लान 2013-2017 जो ऑब्जेक्टिव थे एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ लेस देन 1 cases पर ईयर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री स्ट्रेंजेशन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी रिडक्शन द लेवल ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद लेप्रोसी जो टारगेट्स थे पहला प्रिवेंशन रेट जो थी वे 1:10,000 से कम एनुअल रेट केस डिटेक्शन रेट NCDR 10 से वो 1 lakh पॉपुलेशन केयर रेट मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी केसेस MB केयर रेट PUC बेसिलरी लेप्रोसी केसेस ग्रेड सेकंड डिसेबिलिटी रेट परसेंटेज इन न्यू केसेस स्टिग्मा रिडक्शंस जो बेसलाइन और टारगेट्स जो है लेप्रोसी के जो कि ईयर के हिसाब से टारगेट किए गए कि उनमें कितना लेवल है जो डिक्रीज हुआ है न्यूयर इनिशन अंडर नेशनल लेप्रोसी रेटिंग्स प्रोग्राम फोकस लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान 2005 प्रायोरिटी एरियाज प्रिवेलेंस 3 per 10,000 इंक्रीज एफर्ट ऑफ IEC ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी वीक लॉन्ग लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन सेपलेंट लेस स्पेशल एक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी इन रूरल एरिया लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन फॉर अर्बन एरियाज टू कवर पॉपुलेशन एंड द डिफिकल्ट इन्फेक्शन एरिया विच वेयर नॉट रिकवर्ड रेगुलेशन एक्टिविटीज एकॉम्पनेशन MDT इम पेशेंट बी अनेबल टू कम ऑफ द कलेक्ट हिज MDT फॉर क्लिनिक देयर रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर फैमिली एंड विलेज कैन कलेक्ट इट द डिजाइन टू हेल्प पेशेंट ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन्स लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन SCDC विद ऑनलाइन विद पल्स पोलियो कैंपेन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली सिटी हाई एंटीबायोटिक डिस्ट्रिक्ट बाय द सेंट्रल लेप्रोसी डिवीजन इट इज मेनली यूज ऑफ डिटेक्ट अनट्रीटेड हिडन लेप्रोसी केसेस रिसेंट एडवांसेस वॉज रिलीज April 2016 द ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी 2016-2020 एसिरेटिंग टुवार्ड्स लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड जो रिलीज की गई April 2016 में विजन जीरो डिजीज जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी इन्फेक्शन जीरो डिसेबिलिटी ऑफ डाई जीरो स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोल फर्दर रिड्यूस द ग्लोबल एंड लेप्रोसी बर्डन टारगेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोज टू लेप्रोसी विजिबल डिफॉर्मिटी जीरो रेट इन न्यूली डायग्नोज लेप्रोसी पेशेंट विद विजिबल डिफॉर्मिटीज 1 per million नंबर ऑफ कंट्रीज विद द लेगी आइसोलेशन अलाउिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ लेप्रोसी जीरो देन समरी जो कि हम शुरू से लेकर आखिर तक जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में लैम्स ऑफ लेप्रोसी ऑफ एंसेंट डिजीज कुष्ठ रोग इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय एमलेप्री प्रॉब्ली डू ओल्डेस्ट डिजीज नाउ इज मैनकाइंड मेनली इफेक्ट पेरिफेरल नर्व आल्सो इफेक्ट ऑफ स्किन मसल्स बोन्स टेस्टिस इंटरनल ऑर्गन्स लेप्रोसी ऑफन नाउ एज ए सोशल डिजीज सोशल स्टिग्मा इज अटैच द स्टिग्मा इज कपल्ड विद फिजिकल डिफॉर्मिटी लीड्स टू सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव प्राइमरी प्रिवेंशन लेप्रोसी वैक्सीन लेप्रोसी कंट्रोल बेस्ट इफेक्टिव मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी सेकेंडरी प्रिवेंशन एंटी लेप्रोसी डे इंडिया सेलिब्रेशन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम हायर महात्मा गांधी 3rd January ऑफ एवरी ईयर वर्ल्ड लेप्रोसी डे वाज सेलिब्रेटेड लास्ट संडे जनवरी एवरी ईयर द थीम ऑफ 2018 वाज जीरो डिसेबिलिटी गर्ल्स एंड बॉयज दिस कंडीशन दिस टॉपिक इज कंप्लीट ऑफ लेप्रोसी थैंक यू एवरीवन